वेलकम एवरीवन, दिस इज आवर लेक्चर 4 ऑफ यूनिट 4, मॉनिटर एंड डिस्प्ले अडैप्टर्स। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर वीजीए मॉनिटर्स एंड डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वीजीए मॉनिटर? इट एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ वीडियो ग्राफिक्स एरे, a graphics display system for PCs, that is personal computer, that was developed by IBM. VGA has become one of the standards for PC. In text mode, means जो VGA जो है वो भी सबसे ज़्यादा popular है. VGA क्यों है, क्यों VGA monitor कहते हैं, that I will tell you in next slide. सो VGA की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो 720x400 पिक्सल्स में देता है, बट किस कौन से मोड में, टेक्स्ट मोड, जब जबकि ये टेक्स्ट मोड मीन्स जब पूरी इमेज में एक भी पिक्चर नहीं है, सिर्फ रिटन टेक्स्ट है, तो उसको कहेंगे टेक्स्ट मोड। और ग्राफिक्स मोड तब कहेंगे जब पिक्चर्स या ग्राफिकल कुछ इमेज है, तब उसको ग्राफिक्स मोड कहेंगे। तो ग्राफिक्स मोड में वो 640x480 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देता है और उसमें 16 कलर्स अवेलेबल हैं और 320x200 विथ 256 कलर्स। मतलब जैसे इधर कलर्स बढ़ गए तो रिजोल्यूशन कम हो गया। तो ये दो अलग टाइप के रिजोल्यूशन अवेलेबल है VGA मॉनिटर्स में। टोटल पैलेट जो है वो 262144। सो मैं यहाँ बात कर रही हूँ मॉनिटर की, यानी मॉनिटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें इतने पिक्सल्स अवेलेबल करवाता है। अब आगे जब हम बात करेंगे तो जितने भी मॉनिटर्स हैं वो VGA पोर्ट ही सपोर्ट करते हैं। वो VGA मॉनिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो VGA पोर्ट पे काम करता है, यानी मदरबोर्ड में VGA पोर्ट रहता है और आपके मॉनिटर्स में VGA पोर्ट रहता है, और भी एक पोर्ट रहता है, और भी एक पोर्ट है DVI पोर्ट, वो भी डिस्प्ले के लिए है। सो हियर यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पर एक पोर्ट है, वो DVI पोर्ट होगा या फिर VGA पोर्ट रहेगा। टू टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आर अवेलेबल VGA पोर्ट। तो हम VGA पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो VGA पोर्ट रहेगा वो इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ पर VGA केबल को कनेक्ट करेंगे और सेम VGA केबल को हम मॉनिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, इसीलिए उसको कहेंगे VGA मॉनिटर। अब VGA मॉनिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि VGA पोर्ट है और उसमें कौन से आते हैं मॉनिटर्स, तो CRT आते हैं, LCD, LED, TFT, प्लाज्मा एंड सो ऑन। तो नाउ आई होप कि आपको सबको पता चल गया कि VGA मॉनिटर क्यों कहते हैं। सिंपल, क्योंकि वो VGA पोर्ट सपोर्ट करता है इसलिए। और अगर DVI पोर्ट सपोर्ट करेगा तो हम कैसे, DVI पोर्ट होगा तो फिर क्या करेंगे, DVI टू VGA कन्वर्टर एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर DVI कनेक्ट करेंगे लाइक दिस और VGA को कनेक्ट करेंगे हम मॉनिटर में। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज VGA मॉनिटर। नाउ डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में अभी तक हमने देखा CRT, तो वो एनालॉग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी था, उसमें रास्टर स्कैनिंग मेथड यूज़ हो रही थी। और अब हम देखेंगे तो डिजिटल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, इसमें है TFT, दैट इज़ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले एंड प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। तो एक एक करके सब देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो क्या है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? इट इज़ अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले और वीडियो डिस्प्ले दैट यूजेस द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, लाइट को मॉड्यूलेट करने की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, कौन करता है, लिक्विड क्रिस्टल्स। नाउ यूजेस, तो डिस्प्लेज इन नोटबुक्स,
स्मॉल कंप्यूटर्स, पेजर्स, फोन्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। इट यूजेस कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लोरोसेंट बेस्ड बैकलाइट, कलर फिल्टर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स टू क्रिएट एंड इल्यूमिनेट इमेजेस। मतलब कॉम्बिनेशन किसका है, अभी तक सीआरटी में किस क्या था, तो फ्लोरोसेंट और कैथोड रे का, कैथोड रेज का कॉम्बिनेशन था, बट इसमें क्या है, इसमें फ्लोरोसेंट बेस्ड लाइट था, उसमें फ्लोरोसेंट बेस्ड स्क्रीन था, इसमें फ्लोरोसेंट बेस्ड लाइट है और कलर फिल्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं एंड लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, जिसके कि पूरी इमेज इल्यूमिनेट हो जाएगी और हम स्क्रीन पे देख सकेंगे। सो देर आर मेनली टू कैटेगरीज ऑफ एलसीडी स्क्रीन्स। फर्स्ट इज द पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी एंड सेकेंड वन इज द एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी। बिफोर गोइंग टू एक्टिव एंड पैसिव मैट्रिक्स, वी विल जस्ट लुक एट वॉट इज लिक्विड सेल्स। लिक्विड सेल क्या है? लिक्विड सेल एक बेसिक यूनिट है एलसीडी का, जिसमें ये जो जो लाइट पास होती है वो लिक्विड सेल से पास होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड सेल्स को हम दो प्लेट्स के बीच में रखेंगे, एक वर्टिकली वर्टिकली रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल रहेगा, और लिक्विड सेल्स हैं वो ये दो प्लेट्स के बीच में रहती हैं। तो क्रिस्टल मॉलिक्यूल है उसको इसको लिक्विड सेल भी बोलेंगे। क्रिस्टल मॉलिक्यूल है, नॉर्मली उसकी जो पोजीशन है वो वर्टिकल है, बट उसके पास एक एबिलिटी है कि जैसे ही उस इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वैसे ही लिक्विड सेल है वो वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा। ओके, तो अ लेयर ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर बिटवीन टू प्लेट्स एंड देयर आर नंबर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स बिटवीन दीज टू प्लेट्स। नाउ व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रिक करंट, ओके, मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इलेक्ट्रिक करंट के से एक्सपोज हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यू कैन सी इनिशियली वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल, और जब वो 90 डिग्री पे फ्लिप हो जाएगा तो जो लाइट आ रही है वो पास होनी बंद हो जाएगी। ओके, एंड अगर लाइट पास हो रही है तो एक इमेज बनेगी ऑन दिस साइड, ये है रेड कलर का फिल्टर, तो इधर इमेज बनेगी, वो रेड पिक्सल जनरेट करेगा और बहुत टाइनी टाइनी पिक्चर से एक बड़ी इमेज बनेगी, और वो जो टाइनी पिक्चर होते हैं उसको हम बोलेंगे पिक्सल। अब आप देख सकते हैं ये वाली, इस वाली इमेज को, इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट पास हो रही है पहली वाली प्लेट पे, जो ये जो दो प्लेट्स हैं ये अलाइन रहते हैं, 90 डिग्री ओरिएंटेशन पे रहते हैं, यानी एक वर्टिकल रहेगा तो एक हॉरिजॉन्टल रहेगा। लाइट यहाँ से पास होगी और यहाँ पे नंबर ऑफ लिक्विड सेल्स है या फिर क्रिस्टल मॉलिक्यूल है वो रहेंगे, वो ट्विस्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड। ओके, बट जब इनकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एक्चुअली ये जो इमेज है उसको वर्टिकली दिखाया, ये आगे का प्लेट है और ये बैक साइड का प्लेट है, सिमिलरली ये आगे का प्लेट है और ये बैक साइड प्लेट है, सॉरी दिस इज फ्रंट प्लेट एंड दिस इज बैक प्लेट एंड दिस इज फ्रंट प्लेट एंड दिस इज बैक प्लेट, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस डिरेक्शन, इधर से लाइट आएगी। तो अगर ये हॉरिजॉन्टली, अभी ये वर्टिकल दिख रहा है, बट अगर हम इसको पिक्चर को हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे तो ये दिखेगा सारे हॉरिजॉन्टल हो गए। तो जब ये हॉरिजॉन्टल होंगे तो लाइट हो जाएगी ब्लॉक, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि नो लाइट इज देयर एंड दैट मीन्स नो पिक्चर इज अवेलेबल। और जैसे ही यहाँ पे लाइट पास हो रही है, ये ट्विस्ट हो रहे हैं सारे सेल्स, तो यहाँ लाइट पास होगी और आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज जनरेट होगी। सो दिस वे योर इमेज इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लिक्विड सेल। अगेन सिमिलरली देखो, ये ऑफ स्टेट में है कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की है तब ये सारे जो सेल्स है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन है, और जैसे ही हमने ऑन स्टेट किया तो सबने अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज की, ट्विस्टिंग हुआ किसी में, फ्लिप हुआ और इलेक्ट्रिसिटी लाइट अकॉर्डिंगली पास हुई, पहले
हॉरिजॉन्टली अलाइंड पे, हॉरिजॉन्टली अलाइंड प्लेट से आई, फिर लिक्विड सेल से पास हुई, फिर वर्टिकली अलाइंड के बाहर आई और आया ऑन ऑन स्टेट के बाद यहाँ पे आया इमेज। और यहाँ पर देख रहे हो क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टली अलाइंड है सारी सेल्स, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और इमेज नहीं जनरेट होगा। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड सेल्स। इट हैज़ द एबिलिटी टू फ्लिप एट 90 डिग्री एंड कम बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। नाउ स्टार्टिंग विथ एक्टिव मैट्रिक्स, जो हमने आगे की स्लाइड में देखा वो फिगर थी एलसीडी विथ पैसिव मैट्रिक्स। ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ पैसिव मैट्रिक्स। इट यूजेस ग्रिड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स कंप्राइज ऑफ इंडियम टिन ऑक्साइड टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हो कि पैसिव मैट्रिक्स में सिर्फ दो तरह के कंडक्टर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टली बहुत सारे हैं और एक वर्टिकली बहुत सारे हैं, आपस में एक ग्रिड बना रहे हैं। ये जो टाइप की इमेज है इसको बोलते हैं ग्रिड। ईच पिक्सल इज कंट्रोल्ड बाय एन इंटरसेक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स। यहाँ मीन्स दिस इज इंटरसेक्शन, दो कंडक्टर का इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके पिक्सल को कंट्रोल करेंगे। ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स ऑफ स्टेट। अगर पिक्सल जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ ऑफ स्टेट होगा, अगर पिक्सल जनरेट हुआ है तो ऑन स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल ये जो येलो दिख रहा है, येलो टाइप के जो गेट्स दिख रहे हैं ये हैं ऑन स्टेट, और जो वाइट टाइप के हैं वो है ऑफ स्टेट। सो और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये होता है कैपेसिटर, कि जब भी हम इसको चार्ज देंगे या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज होगा और पिक्सल एक्टिवेट होगा, और जैसे ही वोल्टेज हटा लेंगे या इलेक्ट्रिक करंट हटा लेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा और वो पोजीशन पे पिक्सल जनरेट नहीं होगा। दिस इज पैसिव मैट्रिक्स। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्टिव मैट्रिक्स। सो इट इज़ एक्चुअली अ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। मतलब अभी वहाँ पे क्या था कि कंडक्टर की मदद से हम कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है कि पूरा एक मैट्रिक्स ही है जिसमें हर एक पिक्सल के लिए मैट्रिक्स है, और हर एक पिक्सल के लिए सॉरी एक यू कैन से बॉक्स है या फिर एक सेल है जिसमें एक ट्रांजिस्टर है, थ्री ट्रांजिस्टर करस्पॉन्डिंग टू थ्री आरजीबी कलर्स। ओके, आरजीबी मींस रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। तो एक्टिव एरिया दिखा रहा है आपको, डेड एरिया दिखा रहा है। तो इसके पहले क्या था कि वो कंडक्टर, दो कंडक्टर के इंटरसेक्शन पिक्सल को मॉनिटर कर रहे थे या कंट्रोल कर रहे थे। इसमें क्या है, ये एक ट्रांजिस्टर है, तीन ट्रांजिस्टर, वो एक पिक्सल को मॉनिटर कर रहे हैं। द एक्टिव पिक्सल इज कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द इंडिविजुअल पिक्सल्स एंड स्विच देम क्विकली। मतलब बहुत ही जल्दी उसको स्विच कर लेते हैं, स्विच मीन्स फ्लिप हो जाएगा, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और क्यों टी एफ टी मीन्स एक्टिव मैट्रिक्स और जो पैसिव मैट्रिक्स वाला है उसमें डिफरेंस ये है कि एक पूरा एक मैट्रिक्स टी एफ टी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का एक प्लेट रखते हैं जिसपे सारे पिक्सल्स मॉनिटर होते हैं या कंट्रोल होते हैं। और टी एफ टी की मदद से क्या होगा कि एक जो चार्ज हम कैपेसिटर को दे रहे थे पैसिव में, तो वो जैसे उसको चार्ज दे रहे थे वैसे ही वो चार्ज हो रहा था और पिक्सल जनरेट कर रहा था, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हटा रहे थे तो वो डिस्चार्ज हो रहा था। इसमें क्या है कि क्योंकि ट्रांजिस्टर है और थिन फिल्म है उसमें, तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक चार्ज रिटेन कर रहा है फॉर सम मोमेंट, जिसकी मदद से क्या हो रहा है कि तुरंत आपकी इमेज चली नहीं जाएगी और बहुत टाइम तक उसमें इमेज रहेगी। और तुरंत ही रिफ्रेश करना है या फिर उस पिक्सल को उस पिक्सल पे कुछ और कलर है और उसी पिक्सल पे कुछ और कलर का लाना है, तो रिफ्रेश रेट हाई रहेगा जिससे कि तुरंत की तुरंत आप नया पिक्सल जनरेट कर पाओगे और बहुत ही इजीली आपकी इमेज दिखेगी। तो ये फ़ायदा और एडवांटेज है थिन फिल्म का। वाई? बिकॉज इट रिटेन्स चार्ज फॉर सम टाइम। ओके, नाउ यू कैन सी हियर
पैसिव मैट्रिक्स एंड एक्टिव मैट्रिक्स दोनों का डिफरेंस है। एक में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज सिलेक्ट हो रही है, अनसिलेक्ट वोल्टेज, ये अलग अलग पोर्शन दे रखा है। सिमिलरली इधर सिलेक्ट वोल्टेज, अनसिलेक्ट वोल्टेज इस तरह से दे रखा है, और क्रॉस टॉक, इसमें क्रॉस टॉक ज़्यादा है। ठीक है, कई कई जगह पे ज़रूरत नहीं है कुछ भी डिस्प्ले करने की, तो भी इस तरह के कलर आ रहे हैं। सो दिस इज़ क्रॉस टॉक, मीन्स अनवांटेड सिग्नल्स आर बीइंग डिस्प्लेड, एंड हियर यू कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ पिंक कलर, अनवांटेड सिग्नल्स आर नॉट शोन एनीवेयर। ओके, तो क्रॉस टॉक वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसमें क्रॉस टॉक वोल्टेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब आप देख, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स हैं, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर अवेलेबल है। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, चार्ज को रिटेन करता है, और इधर चार्ज रिटेन नहीं होता है, बिकॉज कैपेसिटर या तो चार्ज होगा या तो डिस्चार्ज होगा, इधर चार्ज होगा लेकिन रिटेन रहेगा। अगेन यू कैन सी दिस, दिस इज एक्टिव मैट्रिक्स, थिन फिल्म टी एफ टी मैट्रिक्स इज अवेलेबल। यू कैन सी हियर, हियर ट्रांजिस्टर इज अवेलेबल, कलर इज अवेलेबल, एंड हियर यू कैन सी एनोड एंड कैथोड। एनोड इज अगेन कंडक्टर, कैथोड इज अगेन कंडक्टर, एंड बिटवीन इंटरसेक्शन देयर इज कलर। तो जब भी लाइट इस पे पड़ेगी तो लाइट लिक्विड क्रिस्टल से होके इस पे फॉल होगी, और फिर क्या होगा, अगर लिक्विड क्रिस्टल्स अपने पोजीशन पे हैं जिससे कि लाइट पास होगी, तो आपकी इमेज बनेगी। अगर वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो वो इमेज नहीं बनेगी, लाइक दिस। एंड दिस विल गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट कंपेयर टू पैसिव वन। नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी एंड पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। इट यूजेस ग्रिड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स, जो हमने देखा, और इसमें क्या है, इट यूजेस थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स दैट आर अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स ऑन अ ग्लास सरफेस टू कंट्रोल वोल्टेज। टाइनी स्विचिंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर्स आर यूज एट ईच पिक्सल लोकेशन। इधर क्या हो रहा था, कैपेसिटर यूज हो रहा है एट इंटरसेक्शन, और इधर ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर यूज्ड। कॉस्ट इज यूजुअली हायर इन एक्टिव एंड दे आर लेस कॉस्टली। इट हैज़ हायर रिस्पॉन्स टाइम एंड इट हैज़ लो रिस्पॉन्स टाइम। इट अलाउज द व्यूअर मच मोर फ्रीडम टू चूज हिज और हर एंगल। दे आर बेस्ट व्यूड हेड ऑन, मतलब अगर हम सामने से देखेंगे तो हम अच्छे से देख पाएंगे, अगर थोड़ा भी एंगल चेंज हुआ या ओब्लिक गया या तो डिस्टॉर्शन दिखेगा, डिमिंग दिखेगा। रिफ्रेश रेट्स आर हाई, रिफ्रेश रेट्स आर लो। रिफ्रेश रेट हाई, हाई किसकी वजह से है, ट्रांजिस्टर की वजह से है, बिकॉज इट इज रिटेनिंग चार्ज फॉर सम टाइम। जैसे चार्ज, जैसे कोई पिक्सल डिस्प्ले हुआ तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है या जो भी वोल्टेज है, वो उसका जो चार्ज बनेगा वो थोड़ी देर के लिए ट्रांजिस्टर में रहेगा, वो कैपेसिटर में स्टोर करेगा, फिर जैसे ही दूसरा पिक्सल आएगा वो रिटेन करेगा। इंस्टेड ऑफ लूजिंग होल चार्ज इट इज़ रिटेन्ड, और इधर रिटेन नहीं होता है, इसीलिए बार बार, इसीलिए रिफ्रेश रेट लो है। बार बार आपको अलग अलग नए से आपको उसमें चार्ज देना पड़ता है। दे डिस्प्ले हायर रिजोल्यूशन, दे डिस्प्ले लोअर रिजोल्यूशन एज कम्पेयर टू एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी। दे हैव एबिलिटी टू क्रिएट ग्रे स्केल, ऑफर 256 लेवल ऑफ ब्राइटनेस पर पिक्सल। दे डोंट प्रोड्यूस कलर्स एक्यूरेटली। एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडीज आर यूज इन फुल कलर एलसीडी टीवीज, मॉनिटर्स, सेल फोन्स। दे आर यूज इन कैलकुलेटर्स, डिस्प्ले और डिजिटल रिस्ट वॉच, वेयर द डिस्प्ले कंटेन्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर फुल कलर। ओके, नाउ एलसीडी पैनल्स। अ कलर एलसीडी मस्ट हैव 3 सब पिक्सल्स विद रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर फिल्टर्स टू क्रिएट ईच कलर पिक्सल। थ्रू द कलरफुल एंड वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, द इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल कैन रेंज ओवर 256 शेड्स। कंबाइनिंग द सब पिक्सल्स प्रोड्यूसेस अ पॉसिबल पैलेट ऑफ 16.8 मिलियन कलर्स। सो एलसीडी पैनल कैन प्रोड्यूस 16.8 मिलियन कलर्स। नाउ वी विल सी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक है बैकलाइट यूनिट, पोलराइजर, टीएफटी एरे,
लिक्विड क्रिस्टल, कलर फिल्टर, पोलराइजर। तो बैकलाइट यूनिट है वो ये है, बैकलाइट यूनिट, पोलराइजर आप देख सकते हो, टीएफटी एरे है जो है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल, देन कलर फिल्टर एंड पोलराइजर। पोलराइजर दो हैं, एक हॉरिजॉन्टली अलाइंड है और एक वर्टिकली अलाइंड है। सो दो जो प्लेट्स है वो 90 डिग्री ओरिएंटेशन पे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ही करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी लाइट जनरेट होगी, लिक्विड क्रिस्टल सारे ट्विस्टेड मोड में हो जाएंगे और आपकी लाइट पास होगी और इमेज जनरेट होगी। ओके, कलर फिल्टर है, दिस इज फिल्म ऑफ, और यू कैन से लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पर इनिशियली सब अलाइंड हॉरिजॉन्टल होते हैं, फिर जैसे ही लाइट पास हो, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो इधर अलाइनमेंट चेंज होने लगते हैं और लाइट आपकी पास होती है। लाइट जो भी कलर से पास होगी उस कलर का पिक्सल यहाँ जनरेट होगा। नॉर्मली इसमें तीन कलर का एक पिक्सल जनरेट होगा, ब्लू ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन में एक पिक्सल जनरेटर जनरेट होगा। नाउ यू कैन सी हाउ इट इज वर्किंग। सो अगेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम बैक पैनल, देन वर्टिकल, देन इट इज पासिंग थ्रू थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एंड देन यू कैन सी कैसे काम हो रहा है कि सारे अलाइन होने शुरू हो गए, चेंज होने लगे वर्टिकल पोजीशन से। यू कैन सी वर्टिकल पोजीशन से ट्विस्ट होने शुरू हो गए और क्या कहते हैं, फ्लिप होने शुरू हो गए, और फिर कलर से पास हुआ और यहाँ पर जनरेट हुआ एक पिक्सेल जो बनाएगा आपका फाइनल इमेज, एंड यू कैन फाइनली सी हियर। एडवांटेजेस, हाई पीक इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस वेरी ब्राइट इमेजेस, बेस्ट फॉर ब्राइटली लिट एनवायरमेंट्स, स्क्रीन्स आर परफेक्टली फ्लैट, थिन विथ अ स्मॉल फुटप्रिंट, कंज्यूम लिटल इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस लिटल हीट। द एलसीडी डिस्प्ले यूनिट इज़ वेरी लाइट एंड कैन बी पुट एनी वेयर और मूव्ड एनी वेयर इन द हाउस। लैक ऑफ फ्लिकर एंड लो ग्लेयर रिड्यूस आई स्ट्रेन, मतलब फ्लिकरिंग नहीं है, फ्लिकरिंग नहीं है और ग्लैरिंग ज़्यादा नहीं है, जिससे कि आपकी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। ग्लैरिंग मीन्स वो जो ब्लू कलर की ऐसी कोई लाइट आती है जो सीआरटी में आती थी, जिससे कि आंखों पे जोर पड़ता था, स्ट्रेन पड़ता था, तो वो चीज़ इसमें अब नहीं है। डिसएडवांटेजेस, आफ्टर अ वाइल एलसीडी डिस्प्ले द सम ऑफ द पिक्सल्स विल डाई, यू विल सी अ डिसकलर्ड स्पॉट ऑन अ ब्लैक ब्लैक स्पॉट ऑन द डिस्प्ले। द कॉस्ट ऑफ एलसीडी इज हाई, द एलसीडी डिस्प्ले विल हैव स्लो रिस्पॉन्स टाइम, द एलसीडी डिस्प्ले हैज फिक्स्ड रिजोल्यूशन डिस्प्ले एंड कैनॉट बी चेंज्ड, द व्यू एंगल ऑफ एलसीडी डिस्प्ले इज वेरी लिमिटेड। ऑल्सो एक्टिव मैट्रिक्स और पैसिव मैट्रिक्स में देखा जाए तो जो पैसिव मैट्रिक्स है उसको एलसीडी कहेंगे और जो एक्टिव मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलसीडी, दैट इज टीएफटी एलसीडी। बिकॉज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इज यू ट्रांजिस्टर फिल्म इज यूज्ड इन एलसीडी, दैट्स वाई इट इज नोन एज टीएफटी। दीज आर द रेफरेंसेस, इफ यू वॉन्ट टू गो इन डिटेल यू कैन गो इवन ऑन हाउ स्टफ वर्क्स, एंड थैंक यू सो मच।